अस्सलाम वालेकुम मेरी सारी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से जुम्मा मुबारक। तो आज भी एक रेसिपी के साथ ही मैं आपके साथ हाज़िर हुई हूँ। रोज़ मैं आपके साथ किसी ना किसी रेसिपी के साथ ही हाज़िर हो रही हूँ। तो आज की रेसिपी बहुत आसान और इजी है। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। चिकन शाशलिक बनाते हैं। चिकन शाशलिक में हमें चाहिए शिमला मिर्च 2 अदद, आधा किलो चिकन जितना आपने बनाना है अपनी क्वान्टिटी के हिसाब से, तेल गरम कर लें, तो अदरक लहसुन का पेस्ट एंड ब्लैक पेपर, चिली सॉस, थोड़ा सा सिरका एंड हल्दी, गरम मसाला, ये चीज़ें हैं। तो इनको मैंने ना मुनासब मकदार में काट लिया है, छोटी छोटी शेप में, जिस तरह की चिकन शाशलिक की रेस्टोरेंट में शेप होती है ना। और प्याज, अनियन, टमाटर, दो अदद टमाटर है और 2 अदद ही प्याज है। इनको मैंने अच्छे से काट लिया चौड़ी शेप में, लंबी स्लाइस में नहीं काटा मैंने, चौड़ी शेप में काटा है। बहुत ही आसान और इजी रेसिपी है, चले बनाना स्टार्ट करते हैं। आप पैन में तेल गरम करके इसके अंदर हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, इसको अच्छे से भून लेंगे ताकि इसकी स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे चिकन। चिकन ऐड करके 10 से 15 मिनट लगेंगे हमें इसकी स्मेल ख़त्म करने के लिए चिकन की भी, क्योंकि चिकन के अंदर डायरेक्ट अगर हमने वेजिटेबल ऐड कर दी तो फिर चिकन की जो स्मेल है वो ख़त्म नहीं होगी। इसलिए चिकन को और प्याज अदरक लहसुन का जो ये पेस्ट बना के रखा हुआ है, तो आप लोग इसकी स्मेल के लिए इसे अच्छे से भूनें। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मौसम चेंज हो रहा है तो आपकी प्यारी बहन का भी जो गला है वो ख़राब हो रहा है, तो आप लोग बस दुआ कर दिया करने अल्लाह ताला सबको जहाँ जहाँ जो जो वीडियो देख रहा है सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करें। इसके बाद हम लोग मैं आप लोगों के लिए बहुत ही आसान और इजी रेसिपी लेकर आती हूँ, वो रेसिपी लेकर आती हूँ जो कि हर एक घर में बनती हैं, जो कि हर एक घर में यूज़ होती हैं। मैं आप लोग के लिए वो रेसिपी लेकर आती हूँ। तो आप लोग अपने घर में ये आसान ईजी सी रेसिपी होती हैं, टेस्टी होती हैं, तो आप लोग अपने घर में ज़रूर बना के ट्राई किया करें ताकि जो घर वाले हैं वो अच्छे खाने खा सकें, अच्छे खानों से लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। इसके अंदर अब हमारा जो चिकन है वो भून चुका है, इसके अंदर हम जो टमाटो है वो ऐड करेंगे, उनको अच्छे से भूनेंगे। टमाटो को क्या कहते हैं, मतलब इतना चम्मच ना मारना, वो खुद ही भाप से नरम हो के ना मिक्स हो जाएंगे, लेकिन आप लोग ना इतना मारना। इसके बाद जो शिमला मिर्च है वो भी ऐड कर दें। इनको मैंने इतना स्पून इसलिए नहीं मार रही हूँ कि मैंने रेस्टोरेंट पे मैंने चिकन शाशली खाई थी ना नान के साथ, तो उनकी इतनी मिक्स नहीं हुई होती, उनकी जो सब्ज़ियाँ हैं वो भाप के साथ थोड़ी सी बस सॉफ्ट हुई होती हैं, बकाया वो अंदर नरम ज़्यादा घुली मिली नहीं होती है। इसके बाद हम इसके अंदर अनियन ऐड करेंगे। अनियन ऐड करने के बाद चिली गार्लिक सॉस भी यूज़ कर सकते हैं, कैचअप भी यूज़ कर सकते हैं। कैचअप आपने वो यूज़ करनी है जो स्पाइसी हो, जिसके अंदर मीठा कम हो और मिर्चें ज़्यादा हो, वो वाली आपने कैचअप यूज़ करनी है। मैंने वही वाली कैचअप के छोटा सा साशिया ना मैंने वही मंगवा ली है, वो आप लोग अंदर ऐड करें। नमक डालें और ब्लैक पेपर डालें। तीसरा कोई मसाला नहीं डालना, कोई रेड मिर्च आपने इसके अंदर ऐड नहीं करनी। ये जो सुर्ख मिर्च आपको नज़र आ रही है ना, वो सुर्ख मिर्च नहीं थी, वो कैचअप ही पड़ी हुई थी। मैंने सुर्ख मिर्च ऐड नहीं की, मैंने ब्लैक पेपर उसकी जगह ऐड की है। या अच्छी सी बुनाई करने के बाद हमारा चिकन शाशलिक रेडी हो चुका है। बहुत ही आसान ईजी रेसिपी है, तो आप लोग अपनी घर में टाइम ज़ाया किए बिना, जो लोग सब्ज़ियाँ खा खा के थक हार चुके हैं उन घर में ये बना के, तो रोटियों के साथ बना के दें तो हर कोई आपकी वाह वाह करेगा। इसको ऐड करने के बाद आप भून लें। जो व्यूवर्स मेरी पहले रेसिपी देख चुके हैं उनको अच्छे से पता है कि मैं आप लोग के लिए बहुत ही आसान और ईजी रेसिपी लेके आती हूँ, जिन पे इतने ज़्यादा अमाउंट ना लगे। तो ये चीज़ें तो घर में ही होती हैं हर एक की, बस अब हम मैं और मेरे हस्बैंड इंजॉय करेंगे गर्मा गर्म रोटी के साथ। इसको इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। टेक केयर।